जहां एक ओर मौजूदा पंजाब में कांग्रेस सरकार के लोकल बड़ी विभाग के मंत्री साहब ने पूरे पंजाब में हो रहे अवैध निर्माणों पर पूर्ण रूप से शिकंजा कसने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं जलंधर के समीप नकोदर में अवैध निर्माणों का कार्य जोरों शोरों पर चल रहा है और लगता है नकोदर नगर काउंसिल कुंभकर्णीय नींद सो रहा है। वैसे तो नकोदर के काफी एरिया में अवैध बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, परंतु नकोदर बस स्टैंड के समीप लोग सरेआम सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां अवैध निर्माण कर रहे हैं और नगर काउंसिल ने तब तक कुछ एक्शन नहीं लिया जब तक किसी ने शिकायत नहीं की। हैरत की बात यह है कि यह जगह शहर के सबसे व्यस्त जगह और नगर काउंसिल के छोटे से लेकर बड़े अधिकारी दिन में काफी बार यहां से गुजरते हैं, परंतु किसी भी नगर काउंसिल के अधिकारी ने इस सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे को तब तक रोकने की कोशिश नहीं की जब तक किसी ने शिकायत नहीं की। शिकायत होने के बाद सरकारी जगह पर हो रहे अवैध निर्माण को रोका गया, परंतु नकोदर नगर काउंसिल ने अभी तक सरकारी जमीन पर हुए इस अवैध कब्जे को हटाया नहीं है। इस बात से क्या साबित होता है? क्या नगर काउंसिल के अधिकारी कुछ सरकारी जगहों पर कब्जे करवाते हैं या फिर ऊपर से लेकर नीचे तक नगर काउंसिल के अधिकारी जानबूझकर कुंभकर्णीय नींद सो रहे हैं और लोगों को खुली छुट्टी दी गई है कि वो सरकारी जमीनों पर मनचाहा कब्जा कर ले और उस पर मनचाहा निर्माण कर ले। रिपोर्टर सुखविंदर सिंह सोहल के साथ कैमरामैन राजेश कुमार की नकोदर से रिपोर्ट। कब्जा रोक दिता जी। उस तो अगे एक बिल्डिंग है तीजी मंजिल बना रहा जी, बारे की कार्रवाई की परमिशन है जी? नोटिस निकले हुआ ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ 2x2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਲਰ ਆ ਉਹ ਪਿੱਲਰ ਬਣਾਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾ। और बड़ी अच्छी हैरानी वाली गल है कि जो नकोदर जे कब्जे शरिया बक्का बोर्ड के हो रहे हैं वो बड़ी एक दुख वाली गल है। जो नगर कौंसल के देखरेख थले ही हो रहे हैं और जिनी बारी भी इससे कंप्लेटा होंदिया ने उन्नी बारी उन्होंने दबाया जाता है। और बड़ी हैरानी वाली गल है, कल तो जो भी ये 4-5 दिन तो कर रहे कहने नोटिस कटे हुए हैं, नोटिस के बगैर ही वह अंगेंस्ट चल के उसे लेंटर पाए जा रहे हैं और बक्का बोड़ी जगह जो बस स्टैंड जो वो अपने कब्जे करके करते आ रहे हैं। ये देख रेख हैगी समझ नहीं आ रही। अगर जो नगर कौंसल ने नकोदर का इस तरह ही काम करेगा तो असं करप्शन भ्रष्टाचार कितने खत्म करा। सर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी कि आप भ्रष्टाचार और करप्शन खत्म करनी है और साढ़े कैप्टन साहब पंजाब सरकार से कह रहे भ्रष्टाचार खत्म करना है। ये किस तरह होगा? इस तरह होगा कि नजायज़ कब्जे करके होगा। बड़ी हैरानगी वाली गल है कि नगर कौंसल नकोदर का और प्रधान जी भी सारा ये देखना चाहिए है कि इतना जे कब्जे कराते हैं तो के हो रहे हैं, कि देखरेख थले हो रहे हैं। और इस तो साफ जहर हो रहा है, पूरी ही टीम नगर कौंसल की ये आप ही करवा रही है और आप ही स्पष्टीकरण दे रही है, अं नोटिस कटे हैं। नोटिस तो बिना ही क्यों कर लेंगे? अच्छी कापी की गल की कहते कापी अभी देख नहीं सकते और इस तरह का मतलब है कि नहीं कापी को कटी नहीं है, ये आप ही पैसे लेकर करप्शन कर रहे हैं और कब्जे आप ही करा रहे हैं। मैं पंजाब सरकार और सेंटर सरकार तो मैं अपील करा कि इदा के पद अधिकारियों इदा सस्पेंड किया जाना चाहिए है जे आप ही कब्जे करवाने कोई कार्रवाई नहीं करते हैं।